तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो भुज सीरीज की हमारी आज दूसरा दिन है, तो अभी हम आए हैं व्हाइट रण देखने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 11:50 और हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। व्हाइट रण ऑफ कच्छ की तरफ आज हम विजिट करने जा रहे हैं। कल हम रुके थे भुज में। पिछली वीडियो में आपको भुज की कुछ खूबसूरत लोकेशन हमने आपको दिखाई। अब हम चलते हैं एक और सुहाने सफ़र की ओर, तो बने रहिए वीडियो में। वो कहते हैं ना, मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है सफ़र। तो हमारे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। अभी हम पहुंचे हैं भिरदियारा में। यहाँ का मावा मिठाई बहुत फेमस है और आप अपनी जर्नी का यहाँ स्टॉप भी ले सकते हैं नाश्ता और खाना खाने के लिए। यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्मूथ हैं। इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ इन पर ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा है। फाइनली 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन रण उत्सव पर। और सबसे पहले अभी चलते हैं रण उत्सव की तरफ और देखते हैं कैसे नज़ारे हैं वहां के।
और यहाँ पर है चेक पोस्ट, तो विदाउट परमिशन अंदर जाना मना है। सबसे पहले हमें पास बनवाना पड़ेगा, तो चलते हैं, सबसे पहले पास बनवाते हैं पीछे की तरफ। और यहाँ पर बनता है पास 100 रुपीज़ पर पर्सन, और बाइक और फोर व्हीलर का अलग से चार्ज है 25 रुपये बाइक और 50 रुपीज़ फोर व्हीलर। मेरे पीछे देख रहे हो आप, वो है टेंट सिटी जो कि गुजरात सरकार के द्वारा लगाई जाती है फरवरी, नवंबर से फरवरी तक, तो फरवरी में ख़त्म हो जाती है टेंट सिटी। थोड़ी हायर प्राइस है टेंट सिटी का। और इधर देख रहे हो गेटवे टूर एंड रिसोर्ट है, ये भी सेम फैसिलिटी देता है टेंट सिटी की तरह। तो चलिए मिलते हैं आपसे वाइट रन के अंदर। यह है रण उत्सव का एंट्री गेट, और इसके अंदर यहाँ पर मार्केट एरिया और काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। अभी तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, शाम के समय आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा कैसा रहता है। यहाँ पर चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपको एंट्री दिखानी पड़ती है अपने। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिख रहा है चारों तरफ। और टीसी ने हमारे ने वाइट डेजर्ट में थंडर बर्ड घुसा दिए, आज सीधा पाकिस्तान लेके जाएगा इसे। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वाइट रन के अंदर, और अभी आपको थोड़ा सनराइज का नज़ारा, सन जैसे जैसे नीचे जाएगा यहाँ के कलर उतने ही सुंदर होते जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, उसके लिए रेडी रहें। Yeah.
और ये ऊँट गाड़ियाँ आपको जो दिखाई दे रही हैं इनमें बैठ के भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। जहाँ से व्हीकल की एंट्री क्लोज होती है वहाँ से आपको यहाँ तक छोड़ देंगे, जिसका कुछ प्राइस चार्ज किया जाएगा। गाइस फुली हम फाइनली व्हाइट डेजर्ट के अंदर दोनों शख्स व्हाइट डेजर्ट विजिट कर रहे हैं अभी। और आज भीड़ देख रहे हो मेरे चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन आसमान एक हो गए हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक व्हाइट एकदम। ये एक्चुअली में ये जून जुलाई में जब यहाँ पानी भर जाता है तो ये पूरा पानी रहता है, उसके बाद ये पानी सूख जाता है। तो नवंबर से फरवरी तक यहाँ रण उत्सव गुजरात सरकार के द्वारा मनाया जाता है, उसके लिए स्पेशली तैयारी की जाती है। और ये एक वॉच टावर है जो कि फिलहाल में बंद है, और अभी सनसेट का आपको नज़ारा दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। व्हाइट रण के असली रंग दिखाई देते हैं जब सनसेट होता है। बहुत सारे लोग यहाँ आज छुट्टी का दिन है, इंजॉय करने आए हैं, फुली इंजॉय। तो ये है व्हाइट रण, आप देख सकते हो पूरी झील यहाँ जम चुकी है नमक की तरह। देखो ये प्योर नमक, नमक बन गया है एकदम, आप नमक खा सकते हो, ऐसा नमक हो गया है, देख सकते हो। और यहाँ पर क्या जून जुलाई में पानी आता है, उसके बाद अभी नवंबर के आसपास पानी सूख जाता है, उसके बाद ये व्हाइट नमक में तब्दील हो जाता है। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा मेरे पीछे देख सकते हैं आप व्हाइट रण का, जो कि कच्छ के अंदर स्थित है। और पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा भीड़, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एकदम सुंदर नज़ारा चारों तरफ का। और दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट डेजर्ट, चारों तरफ व्हाइट डेजर्ट ही व्हाइट डेजर्ट। ऐसा लग रहा है जमीन आसमान एक हो गए हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा चारों तरफ, एकदम सुंदर सुंदर नज़ारे। और अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद दिखेगा। और यहाँ से काफ़ी दूर जाके पाकिस्तान बॉर्डर भी, और यहाँ का एक डायलॉग भी फेमस है, कच्छ में अगर आपने व्हाइट रण नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मतलब गुजरात में कच्छ नहीं देखा था हमने कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, ये यहाँ का लोगो था पहले, जो कि बिल्कुल मैच करता है। है दोस्तों व्हाइट रण का प्यारा सा सनसेट, आप देख सकते हो काफी सुंदर नजारा। और चारों तरफ लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है, व्हाइट रण का और लोग ज्यादा दिख रहे हैं। सामने एक लोगों की लेयर बन गई, उधर देखो सामने लोगों की लेयर बनी हुई है, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है आज।
सनसेट के बाद धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगा है। वैसे यहाँ दिन में बिल्कुल ठंड नहीं थी, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड बढ़ गई है जैसे ही सनसेट हुआ है। लोग अभी भी दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, और इधर देखो बहुत ज़्यादा भी अति सुंदर अति उत्तम। ये भी एक व्यू पॉइंट था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए इसको बंद कर रखा है। लाइटिंग शुरू हो गई है यहाँ पर, रंग बिरंगी लाइट है। ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ रही है। कच्छनी जादुई धरती पर खूब जा हार्दिक स्वागत है। आज सुनाएंगे हम कहानी रंग और भूमि की कहानी। कहानी संस्कृति की, इतिहास की, शौर्य और उल्लास की। हमारी भूमि कच्छनी भूमि, युद्धनी भूमि, रंगों की बरसात। हमारी अब हर घर बड़ी अब हम साथ, पूछता है कच्छ, जूझता है कच्छ। नमस्कार, कच्छ की भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रण, कच्छ का रण। ऋतुओं के आगमन और प्रस्थान के साथ मेरा भी चेहरा बदलता रहता है। कच्छ जो मेरी जन्मभूमि ही नहीं, रणभूमि भी है, जहां जीना है एक निरंतर संग्राम। प्रकृति के अजब रूप है, कभी जल ही जल है, तो कभी रज ही रज। कई शताब्दियों पहले एक महानगर था कच्छ, एक महानगर जिसकी पावन मिट्टी से जुड़ी थी एक प्राचीन सभ्यता की कहानी। 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा से जुड़े स्थलों में से छठा सबसे बड़ा स्थल है उत्तरी कच्छ में खड़ी द्वीप पर स्थित धोलावीरा। शानदार नगर आयोजन और शिल्प कौशल की एक बेजोड़ मिसाल। अभी लाइट शो खत्म हुआ है दोस्तों, तो अभी देखो सारी भीड़ जा रही है अंदर की तरफ। रोड पे कितनी सुंदर लाइटिंग है, दूर दूर तक तो बहुत ही सुंदर अलग ही नजारा दिख रहा है। दोस्तों यहाँ का फूड जोन, चारों तरफ फूडी फूड की स्टॉल लगी हुई है। आपको यहाँ पर सब कुछ खाने को मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल। ये यहाँ की लोकल मार्केट, यहाँ पर आप कुछ चीजें यहाँ की खरीद सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह सारी चीजें यहाँ पर स्टॉल लगी हुई हैं। तो ऐसा कुछ नजारा है दोस्तों रण उत्सव का।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों, यहाँ पर एटीएम भी है एक्सिस बैंक का। यहाँ की लोकल मार्केट आप विजिट कर सकते हो यहाँ पर, और ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। तो ये था दोस्तों अपना रण उत्सव का सफ़र, जो अभी यहीं पे ख़त्म होता है। सुबह और आपको सनराइज़ दिखाएंगे वाइट रण से, उसके बाद निकल जाएंगे अगली डेस्टिनेशन पे।